hello bachcho let's see this question and the question is each centriole has a cartwheel organization having a whole of nine peripheral fibrils can be represented with options are a 9 singlet plus 0 central b 9 doublet 0 central c 9 triplet plus 2 central singlet uh, d 9 triplet plus 0 central so actually क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको कि ईच सेंट्रियोल जो अगर हम आपको सेंट्रियोल देखें तो वो एक कार्टवील लाइक स्ट्रक्चर नज़र आता है जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है नाइन पेरिफेरल फाइब्रल्स का वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है तो ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होता है कि ये या नाइन ट्रिपलेट्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एक मैंने एक्स्ट्रा बना दिया है यहाँ पे तो नाइन ट्रिपलेट बाहर की तरफ होते हैं सेंट्रल में नहीं होता है ठीक है ये नाइन बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं और ट्रिपलेट का मतलब होता है एक्चुअली एक माइक्रो ट्यब्यूल जो होता है वो बनता है आपका थर्टीन ट्यूबुलिन प्रोटीन से ठीक है थर्टीन ट्यूबुलिन प्रोटीन मिलकर इस तरह से इस तरह से मैं ये थर्टीन ट्यूबुलिन प्रोटीन जोड़ूंगी तो ये एक माइक्रो माइक्रोटिब्यूल तय ऐसे ही तीन माइक्रो माइक्रोटिब्यूल होते हैं और तब हम इसको ट्रिपलेट स्ट्रक्चर इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है आपको ठीक है सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी ऑप्शन दैट इज़ नाइन ट्रिपलेट प्लस जीरो सेंट्रल ये ऑप्शन गलत है टू सेंट्रल में नहीं होते यहाँ पे ये सही दिया हुआ है बट ये गलत है डबलेट नहीं होता है अब ये सही दिया हुआ है लेकिन ये गलत है सिंगलेट नहीं होता है ट्रिपलेट होता है सो दैट्स वाई फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाइन ऑप्शन दैट इज नाइन ट्रिपलेट प्लस जीरो Central. Okay. Thank you and best of luck.